नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे MRPL के बारे में। आज के दिन यहाँ पे 4.8% का डाउन साइड जाकर मार्केट क्लोज किया है और हमारे पास एक अच्छा मजबूत सपोर्ट लेवल था जो कि 200 रुपये का था, और उस लेवल को भी तोड़ करना 198 पे इसने क्लोजिंग दिया। तो इससे साफ साफ इंडिकेशन देखने को मिल रही है कि इसमें और भी गिरावट हो सकता है। निफ्टी के पास भी एक मजबूत सपोर्ट लेवल था जो कि 24,000 का था, उसको भी आज के दिन मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया। बैंक निफ्टी भी कमज़ोर हो चुका है। तो यहाँ पे गिरने का कारण क्या है, तो देखिए इस वक्त ना ग्लोबल मार्केट काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुका है इसराइल हमास की वजह से। तो इस वजह से ना कंटिन्यू मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, और बीच बीच में कई लोग बोल रहे थे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, मार्केट बहुत हाई हो गया है। तो देखिए ग्लोबल मार्केट की वजह से ना इस वक्त कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है, जिस वजह से स्टॉक्स में भी गिरावट देखने को मिल रहा है। FFI वाले कंटिन्यू बेच भी रहे हैं। अभी क्या करना चाहिए, तो देखिए हमारे पास सपोर्ट लेवल था 200 का, वो ब्रेक डाउन कर चुका है। और इस ग्लोबल मार्केट में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसको मिलेगा, IT स्टॉक्स में मिलेगा, ऑटो में मिलने वाला, साथ साथ में ऑयल स्टॉक से रिलेटेड में देखने को मिलेगा। तो ये भी ऑयल के रिलेटेड ही स्टॉक है। तो यहाँ पे भी ना आने वाले दिनों में थोड़ा और गिरावट हो सकता है। सपोर्ट लेवल इसने ब्रेक कर दिया, तो अभी जो है ना हमारे पास यहाँ पे 180 रुपये का एक मजबूत सपोर्ट है, वहाँ तक का गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि देखिए हमारे पास सपोर्ट जो था, अच्छा सपोर्ट 200 का था, इसको ब्रेक कर दिया है, और यहाँ पे एक लोअर लो पैटर्न भी देखने को मिल रही है। तो अभी कल के दिन ना 24,000 का जो एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल था, अगर इसको रिकवरी करता है तो यहाँ से मूवमेंट देखने को मिल सकता है अपसाइड का। नहीं रिकवरी कर पाता है तो फिर आपको ना 180 रुपये तक यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकता है। 180 हमारा अच्छा सपोर्ट लेवल रहेगा। यहाँ से रिकवरी लेता है तो पहला टारगेट 200 रुपये का पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट 220 रुपये का रहेगा। तो सारे कंडीशंस मैंने आपको बता दिए हैं। चैनल पहली बार आता तो सब्सक्राइब जरूर करेगा। बाय सेल को रिकमेंडेशन ही। जय हिंद।